कद्दू का हलवा खाएंगे हम। कद्दू का बना दो ना सब्जी या हलवा। गला तो दर गया, हलवा बना ही दो आज। ये जो बोल रहे ना वे वो सारा ऐट रहे हैं। ऐट ना मतलब किस पे? ऐट ना ऐट ना किस पे? इतना स्ट्रिक्ट बैठे हुए हैं जी। जीरा सा तो केवल तो को करके धोई ना तो को धोवा के खावा पसंद ना हमार सब कुछ भाई उठल मरचाई पसंद है। कोई को हाँ वो जो यंग लोग होता है वो सब समझता है ये सब क्या है। धीरे धीरे समझ में आता है ये सब भी जरूरी है एक पीसफुल लाइफ के लिए। हो गया। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता डिकोड। सो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और आज का ब्लॉग एज यूजुअल इंटरेस्टिंग होने वाला है सिर्फ आप लोगों के लिए। गाइस, अगर नहीं होता है, नहीं लग रहा है इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग फील कीजिए, तब लगेगा आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे घर में अभी गुल्ली आई थी तो उस समय नहा रही थी तो फिर वो चली गई, बोली कि आप मतलब आएंगे, फिर आई नहीं और फिर हम उनको देख रहे थे बाहर तो दिखी नहीं। तो गाइस, अभी तो फिलहाल मेरे पति भी आ चुके थे ऑफिस से तो देखते हैं अभी मेरे पति क्या कर रहा है। गौर से देखें इस आदमी को, क्या हो गया? गौर से देखें, इतना अच्छा हवा चल रहा है फिर भी आप कूलर क्यों चालू किए हैं? कूलर का हवा का अलग मजा है। टेल द ट्रुथ। गाइस, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ मेरे पति के बारे में कि इनका एग्जाम है कब? कल नहीं, परसों। डे आफ्टर टुमारो इनके एग्जाम है और हमको अभी बोले थे ये कि फोन डिस्चार्ज है तो चार्ज में फोन दे हुए इसलिए अभी पढ़ नहीं रहे। चार्ज हुआ तुरंत और ओफो, और अभी क्या देखने लगे? चार्ज मतलब ये इतने जाने वाले मूवी लवर है, मतलब दिन भर यही सब क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, ट्रेलर ट्रेलर। यू आर वॉचिंग ट्रेलर और विच मूवी? किसी का नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ाई की बातें करूँगा। हाय दया, मैं क्या बोलूँ गाइस, इनका एग्जाम है और ये अभी हमको बहाना अभी मार रहे थे मेरे पे कि क्या बोल रहे थे, बोलिए इधर देखे है? अरे मैं बाल खराब हो रहा है। कहाँ जाएंगे अभी? तो गाइस पता नहीं ये पढ़ाई कौन कब करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा। लगता है कोई नॉक कर रहा है, जाओ देखो। क्या है अभी के टाइम पे तो कोई नहीं आता हमारे घर पे, लेकिन कोई तो नॉक कर रहा है, देखते हैं गाइस कौन आया है। रुके दो मिनट। तो गाइस हमारे घर में कुछ आंटियाँ आई हैं, मतलब अगल बगल वाली, तो मैं थोड़ी देर बाद ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तब तक पता नहीं मेरे पति अब तो यही कर रहे हैं, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। हम तो जा रहे हैं क्योंकि आंटियाँ आई हैं तो वो कुछ खाने पीने के लिए देना पड़ता है, तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस देख सकते हैं हमारे घर में कौन कौन आया है, इतनी सारी फैमिली यहाँ पे। हम लोग क्या कर रहे हैं सामने बताइए, जोर से बोलिए। ड्राइंग। ये क्या ड्राइंग कर रहे हैं देखते हैं? पैरेट बना रहे हैं आप भी? वाओ ये तो बहुत ब्यूटीफुल है सैनवी। तो फ्रेंड्स मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं तो मैं चाय बना रही हूँ। यहाँ पे चाय चढ़ा हुआ है मेरा। गाइज ये गिरने वाला है। तो गाइज हम यहाँ पे सबको थोड़ा सा कुछ नाश्ता देके उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और ये मेरी मम्मी जी और यहाँ पे ये और हम लोग कर रहे हैं ड्राइंग, है ना सानवी? वंस मोर टाइम, आप इस बार क्या बना रहे बताइए? ड्रेस। हम कॉफी ऐसे खाना हम दिखाई ना बिना धोले ना बिना बनाई ना जी धो आवे ना हम भी में थी जीरा सा तो क्या बोले तो हम करके धोई ना धो के खाना पसंद ना हमारा सब कुछ भाई उठ मत आई पसंद ना किसने लिया था कुछ अच्छा अच्छा कर दो ये कौन सी काटे एकदम भुजिया करके काटे तो छिपा में हटाएंगे ना तो हटा दी ना हटा दी ना देखो असली ना बहुत सारा कटाई हमारे जान तक लगी। तो गाइस हम भी जा रहे हैं, कद्दू का हलवा खाएंगे हम। क्या खाने में बनाए बाबू? कुछ भी कुछ भी कुछ भी बोल रहे हैं अभी, फिर बनाएंगे हम तो फिर बोलेंगे अपना दिमाग लगा गुरु ये क्या बना दिया। तब क्या, हमेशा बताते रहेंगे हम, जो बनाना है बना। कद्दू का बना दो ना सब्जी या हलवा। गला तो दर गया, हलवा बना ही दो आज। अरे कौन बम फोड़ा है सच में? फिर हम कद्दू ही बनाएंगे, है और आधा कद्दू रखा हुआ। डजंट मैटर,
आई विल ईट, गो 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 गो। अभी ये मतलब ये इतने रूड हो गए, इतने रूड हो गए मतलब हम क्या बोले। तो गाइस मेरे तो ब्लॉग में भी प्रूव है कि 3 से 4 बार नहीं, कम से कम 5-6 बार बोले कद्दू 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 खाएंगे, कद्दू मतलब लौकी, यस आई लव, उसका हलवा बना दो, सब्जी बना दो, जो बनाना है बनाओ, लेकिन कद्दू ही खाना है इनको, इनका फेवरेट है कद्दू। रामदेव बाबा बोलते हैं लौकी का जूस पीजिए, लौकी खाइए तब एक नंबर रहिए, किडनी के लिए भी बढ़िया, लीवर के लिए भी बढ़िया, इसलिए गो गो कोरोना गो। जा रहे हैं अभी, मतलब मैं क्या बोली, ये जो बोल रहे ना अभी वो सारा ऐट रहे हैं, ऐट ना मन किस ऐट ना ऐट ना किस ना स्ट्रेट बैठे हुए हैं इसमें ऐट ना किसको किसको पता है गाइस, ऐट ना मतलब बताएं मुझे कमेंट करके जरूर, ऐट ना मतलब क्या होता है, ये जो कर रहे हैं उसको ऐट ना ही बोलते हैं। नहीं गुरु सच्चाई, दिल की सच बातें बोल रहा हूं मैं। तो गाइज मैं अपने किचन में आ गई हूँ, ये जो है ये मेरे आलिशान किचन में। तो गाइज जैसे कि हर दिन मेरा यहाँ तो बीतता ही है, तो यहाँ आ गए हैं, अब मुझे खाना बनाना है, तो आज मैं बनाऊँगी ये इसको बोलते हैं हम लोग नेनुआ, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग मतलब हर जगह सब कोई अलग अलग नाम से बोलता है, हम लोग तो नेनुआ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताएं मुझे। ये जो है ऐसा रहता है गाइज देख सकता है, तो ये बनाने वाले इसमें प्याज डलता है, तो इसको पहले मैं प्याज सारा भूंजूंगी उसके बाद ये डलता है, वैसे ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ा सा इसको डाल के फिर, क्योंकि ये वाटरी फ्रूट है मतलब सॉरी फ्रूट नहीं वेजिटेबल, मतलब तुरंत से पानी सारा छोड़ देता है, तो इसको बस सीजना रहता है, बॉयल करना बोल सकते हैं गाइस, बहुत ही कम तेल में हो जाता है, तो इसको अभी हम बनाने वाले हैं। नहीं कुछ फिका नहीं रहा, बस ये बस हल्का हल्का हाँ। तो गाइस ये हो रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज मेरा खाना बन चुका है और आज हम बनाए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको गाइज, गर्म हो गई है, ये है कड़ी और इसमें है सब्जी, आओ पानी पीने लगा, ये है रोटी और ये है हमारा चावल। तो गाइज हम लोग सबको ही बैठ चुके हैं खाने के लिए और खाना तो दिखा ही चुके थे क्या क्या है, तो अब हम लोग मिलते हैं खाने के बाद। तो गाइज हम लोग का खाना पीना तो हो गया, और खाना पीना के बाद ये क्या कर रहे हैं, क्या कुतुब मीनार बना रहा है, गिरेगा ना अभी। तो गाइस हम लोग का तो खाना पीना हो गया, ये अपना कुतुब मीनार को भी हटा दिया है ना हाँ। तो गाइस हम इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आई होप हमारा आज का जो ब्लॉग था वो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो मेरे आगे के ब्लॉग में बने रहना, खूब सारा प्यार देना। और ये आप क्या कर रहे हैं, करंट मार रहे थे अभी हमको, लाइटर से करंट मारो गाइस। तो गाइस मिलते हैं हम लोग न्यू ब्लॉग में, तो गाइस तो बाय कीजिए, बाय बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में गाइस, पागल हो गई है वन मैट।